बीटेक एचपीसीटी सेट 2018 मेरिट आधार पर सामान्य वर्ग की 150 सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें प्रदेश भर के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। काउंसलिंग सुबह 10 बजे से शुरू हुई और शाम तक चली। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को अपनी मेरिट के आधार पर इंतजार करना पड़ा। काउंसलिंग कमेटी के सदस्य दिन भर मेरिट आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में जुटे रहे। 6 बजे तक करीब 80 सीटें भर गई। इस दौरान चयन कमेटी ने विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म तथा अन्य दस्तावेजों की जांच की। सरकारी महाविद्यालयों में वीटेक की सीटों को सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से भरा जाएगा। काउंसलिंग कमेटी चेयरमैन अक्षर सिंह ने बताया कि एचपीसीटी सेट आधार पर सामान्य वर्ग की सीटें पूरी नहीं भरी गई तो जमा 2 की मेरिट के आधार पर भी इन सीटों को भरा जाएगा। काउंसलिंग कमेटी ने मेरिट के आधार के सभी मापदंडों के अनुरूप ही विद्यार्थियों का चयन करेगी। जो यूनिवर्सिटी ने एक कंबाइंड टेस्ट दिया था उसके आधार पर सेकंड राउंड जिसमें लगभग 150 सीटों के आसपास हमारे पास इनके लिए खाली थी जो भरी जा रही हैं। और इससे पहले 2 और राउंड JEE के बेसिस पे हो गए हैं। उनकी सीटें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनमें लगभग 90% फिलअप हो गई हैं और इसमें भी आशा कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट सेक्टर की जितने जो कॉलेजेस हैं उनमें ये सीटें फिलअप हो जाएंगी। जैसा लोगों का रुझान आज देखा तो लगता है कि ये शाम तक 6 बजे तक हमारी आज काउंसलिंग चलेगी और उसमें भी पूरी हो जाएंगी। जी पास कोई सीट्स अगर वेकेंट रहती हैं तो उसके बाद हमने देखेंगे कुछ प्लस 2 के आधार पर भी हम सीटों को भरने जा रहे हैं, जिसमें जो प्लस 2 पे जो बच्चे की मेरिट होगी उस मेरिट के आधार पर उनको जो वेकेंट सीट्स हैं अवेलेबल सीट्स हैं उन पर उनको एडमिट किया जाएगा। और इस ढंग से जो गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट कॉलेजेस में जितनी सीटें हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो फिलअप हो जाएंगी। हो रही मेरिट तो उनका जो जनरल है उनका 50% है और जो रिजर्व्स हैं उनको 45% मिनिमम एलिजिबिलिटी है। उसके बाद कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कितने लोग अप्लाई करते हैं वो उस पर डिपेंड कर मेरिट जो है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। मान लीजिए अगर हमारे पास 50 सीटें हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो 80% तक ही उसमें फिलअप हो जाती है तो हमारी मेरिट उस हिसाब से उठ जाएगी। लेकिन हमने एलिजिबिलिटी 45% जो है वो रिजर्व कैटेगरीज जिसमें SC ST OBC है और जनरल के लिए 50% हमने रखी है।